दोस्तों, क्या आपको पता है कि दो तरीके से डायमंड बनता है? पहला तो माइन में से निकाला जाता है और दूसरा लैब में बनता है। जो लैब वाला डायमंड होता है वो केमिकली और फिजिकली पूरा नेचुरल डायमंड जैसा ही होता है। लैब वाले डायमंड की सेम साइन एंड सेम एबिलिटी होती है और इसकी ज्वेलरीज भी बहुत अच्छी बनती है। लैब वाला डायमंड बनाने के लिए पहले हमें एक छोटा सा नेचुरल डायमंड लेना पड़ता है, जिसको डायमंड सीड कहते हैं। फिर इसको एक मशीन में रखा जाता है। उस मशीन में कार्बन मटेरियल और अदर गैस होते हैं और उसमें 2000 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है और 1.5 मिलियन PSI का प्रेशर। तो जो कार्बन मटेरियल होता है वो पिघल जाता है और वो डायमंड सीड के पास में जाके चिपक जाता है। फिर एक डायमंड बन जाता है बड़ा सा। छोटे डायमंड से बड़ा डायमंड बनता है और ये 25% चीपर होता है नेचुरल डायमंड से। लैब वाला डायमंड नेचुरल डायमंड से इसलिए सस्ता होता है क्योंकि नेचुरल डायमंड को बनने में कई साल लग जाते हैं और लैब वाला डायमंड कुछ 2 से 3 हफ्तों में ही बन जाता है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।